पिछले 7-8 दिनों से इस आपदी का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब दो घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्ट्राटा नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, अर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है, तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है। और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 ही विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है, और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से, हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में चोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है, उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया है, जो BRO के थे उनको भी बुलाया है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की लाइन भी है, और हम इस प्रकार से पूरा, पहली बात यह कर रहे हैं कि उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी जो आवश्यकता है वो उनको कैसे मिले। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे हैं, ऊपर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अनेक प्रकार के ड्रिलिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, अलग प्रकार के अनेक प्रकार पे काम हो रहा है, जिसका मैंने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन और उसका पूरा अभी तक का रिपोर्ट लिया है। राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जहाँ जरूरत होगी वहाँ एयरलिफ्ट करके, रोड बनाना है वहाँ रोड बनाना, BRO बना रही है इमरजेंसी मशीन ले जाने के लिए। इसके लिए जो जो आवश्यकता होगी, एक जगह पर पानी की बहुत जरूरत है तो पानी भी लगेगा बड़े प्रमाण पर, तो वो स्वाभाविक रूप से सब प्रकार की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब सपोर्टिंग जितनी बातें उसकी भी व्यवस्था पूरी की गई है। बहुत से मशीन पहुँचे हैं। जो पहला प्रयास हमने ऑगर मशीन का शुरू किया जो अमेरिका में बनी हुई है, वो एक मशीन काम कर रही, दूसरी भी मशीन है, पर वो मशीन जब सॉफ्ट स्टार्टा था तो अच्छा काम कर रही थी, अचानक हार्ड मटेरियल आने के कारण थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ। उसका भी टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला गया है, और वो मशीन जो है वो जो पाइप अंदर में जाएगा तो वो आखिरी तक पहुँचकर फिर वहाँ से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लान उसमें है। वर्टिकल भी 3 प्रकार के प्रयास है, उसके भी हम कर रहे हैं। हमने कोई प्रयास ऐसा नहीं रखा कि जो हमको नहीं कर सकते, हमने सब प्रकार के प्रयास किए। पहली प्रायोरिटी है उनकी जान बचाना और जल्द से जल्द उनको बाहर निकालना। ये आपदा है, ये जो हिमालय का टेरिन है इसका स्टाटा बड़ा राजील है, तो स्वाभाविक रूप से ये जियोलॉजी के दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर भी इसको जो कंक्रीट का लाइनिंग करते हैं वो भी किया है, काफ़ी जगह तक वो हुआ है, और दोनों बाजू से उसको करके फिर वो हम लोग आखिरी तक पहुंचते हैं
यही सिस्टम है। जम्मू के श्रीनगर के बीच में हम 18 टनल बना रहे, जो 15 बन गई, फिर झोजिला बना रहे, तो करीब उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को पकड़कर हम कम से कम 3.25 लाख करोड़ की टनेज बना रही है। ये जो लैंडस्लाइड्स होती है इसके लिए भी हमने स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, और उसके लिए भी परमानेंट सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए, उसमें उत्तराखंड के सरकार ने भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला है। हमने स्विट्जरलैंड के काफ़ी कंपनियों के साथ चर्चाएँ की हैं, और इसके लिए भी परमानेंट व्यवस्था हमारे मिनिस्ट्री में करके इसको प्रोटेक्ट करने के बारे में हम काम करेंगे। पूछेंगे ये कब होगा, तो स्वाभाविक रूप से मैं इतना ही बता सकता हूँ कि ये जो ऑगर मशीन है ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वो भी प्रयास सबसे नज़दीक होने वाला है।